अगर पवन सिंह आपको ऑफर दे अपने गाने में काम करने के लिए तब शायद मैं नहीं करूँ, खेसारी के साथ ही करें जी। अगर ये कोई भी देखे हमको गाली भी दे तो हम यही बोलूंगे कि मैं खेसारी के अलावा किसी के और भोजपुरी इंडस्ट्री में काम नहीं। रितेश पांडे अगर कहें तब कोई नहीं, सिर्फ खेसारी अगर ऑफर दे तो। देखिए हम ये नहीं कि हम किसी को मानते नहीं है, सब एक ही है मेरे लिए, लेकिन जिस तरह हम खेसारी जी को मानते हैं एक और सच्चाई हम जानना चाहेंगे कि भोजपुरी में इतने बड़े बड़े चेहरे हैं और आज भी ये माना जाता है कि भोजपुरी के सबसे बड़े स्टार कोई है तो पवन सिंह है, तो फिर आपने पवन सिंह को ना चुन के खेसारी को क्यों चुना? देखिए ऐसा होता है जैसे भगवान भी बहुत है कि नहीं, लेकिन सब लोग सबको नहीं ना पूछते हैं, किसी का कोई हनुमान जी के भक्त होते हैं, कोई दुर्गा जी के भक्त होते, कोई शिव जी के भक्त है, हम भी एक खेसारी के भक्त हैं तो उनका बना लिए। तो कहीं कृष्ण और मीरा वाली कहानी तो नहीं है? नहीं नहीं वैसा नहीं है, हम उनको भगवान मानते, वो चीज़ कभी नहीं हो सकता, वो गलत बात है। हमको बहुत लोग अभी गलत भी बोल रहे हैं कि खेसारी के लिए तुम ये वो, लेकिन वो गलत बात है क्योंकि हम उनको भगवान की तरह मानते हैं और वो भगवान, जिसको आप भगवान की तरह कभी गलत सोचते हैं, आप भगवान के लिए कभी गलत सोच सकते हैं आप कभी। खेसारी लाल यादव के बारे में क्या कहेंगे? वो एक बहुत ही अच्छे इंसान है, उनके जैसा कोई नहीं है। हम तो उस दिन स्टेज पर उतने पब्लिक के सामने भी बोले हैं, मेरे भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर मैं किसी को पसंद करती हूँ तो खेसारी लाल है और मैं उनकी एक फ़ैन हूँ। और अच्छा, जैसे कि खेसारी लाल ने आपको ऑफर दिया, कहीं पवन सिंह अगर ऑफर दे तो। देखिए हम ये नहीं कि हम किसी को मानते नहीं है, सब एक ही है मेरे लिए, लेकिन जिस तरह हम खेसारी जी को मानते हैं उस तरह किसी को नहीं मान सकते। अगर पवन सिंह आपको ऑफर दे अपने गाने में काम करने के लिए तब। शायद मैं नहीं करूँगी, सिर्फ खेसारी के साथ ही करेंगे जी। अगर ये कोई भी देखे हमको गाली भी दे तो हम यही बोलूँगे कि मैं खेसारी के अलावा किसी के और भोजपुरी इंडस्ट्री में काम नहीं करना चाहूँगी। और अभी बाद में जाके कुछ हुआ वो अलग बात है, लेकिन मेरा मन में अभी है कि हम खेसारी के अलावा किसी से काम नहीं करेंगे। अच्छा, रितेश पांडे अगर कहें तब। कोई नहीं, सिर्फ हम बोल दिए खेसारी जी तो खेसारी जी। क्या अभी जब से स्टेज पे वहाँ उन्होंने अनाउंस किया है तब से तो आप पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में चर्चा के विषय है हमारे दर्शकों के। वो बोलते कि सिर्फ हमको इतना याद है कि तारा माँ बोलते ना तुम, कितना अच्छा लगता है ये घर हकी क्या हंसी नहीं, पहले रिएक्शन दे दीजिए उसके बाद हंसी। उनका जो डायलॉग है ना कोई भी फिल्म का हो, कोई भी कोई उनका एक फिल्म का डायलॉग याद है जो आप सुना सकते हैं हमारे दर्शकों को? उनका डायलॉग तो वही है तारा माँ वाला, हम देखिए हम भी बहुत मतलब उनका डायलॉग याद रखते हैं, मेरा प्रेशर अभी इतना है कि मेरे दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा। आप सिंगिंग करती हैं जी? हमें पता चला कि आप गाना भी गाती हैं, तो एक छोटा सा गाना हमारे दर्शकों के लिए। अभी तो मेरा तबीयत खराब है तो फिर भी गला में हम खेसारी जी का ही गाना सुना रहे, इतना अच्छा तो नहीं आता लेकिन थोड़ा बहुत उनसे सीखे थोड़ा थोड़ा। हो कौन देवता के गढ़ल सवारल हो, हमरे खातिर जमी पे उतारल हो, तोहरा खियाब कैले दीवाना ये जाना बड़ू अनमोल ऐसन खजाना, तोहर जोड़ा ना दोसर जनाना ये जाना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।